देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। खबर आ रही गुजरात के वलसाड जिले के उमरगांव से, जहां अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तहत उमरगांव रेलवे स्टेशन को भी विकसित किया जाएगा। आगामी 26 फरवरी को सुबह 10:45 पर माननीय प्रधानमंत्री द्वारा एक साथ 525 रेलवे स्टेशनों और 1500 रेल फ्लाई ओवर ब्रिज और अंडरपास का शिलान्यास वर्चुअल उद्घाटन किया जाएगा। उमरगांव के स्टेशन पर सभी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी पूर्व जोर तैयारी चल रही है और लोगों को आमंत्रित भी किया जा रहा है। उमरगांव से हमारे ब्यूरो चीफ राकेश मिश्रा की एक खास रिपोर्ट। देखिए, आप सबको मालूम होगा आगामी 26 तारीख को देश भर में 525 के करीब रेलवे स्टेशन्स को अमृत भारत स्कीम में, वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है स्टेशन्स का, उनको रिडेवलप किया जाएगा। उसमें पैसेंजर एमिनिटीज़, पैसेंजर वेटिंग एरिया जिसमें लिफ्ट, एस्केलेटर्स, बाहर का स्टेशन फैसाड, सर्कुलेटिंग एरिया, कॉन्कोर्स एरिया, मतलब एक तरीके से हर तरीके से उसको डेवलप किया जाएगा, जो कि एक अलग ही मतलब एहसास पैसेंजर्स को दिखाएगा कि जब वो स्टेशन पे जाएंगे कि एक बदलाव की स्थिति है, कि अब स्टेशन पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया। तो टोटल देश भर में 525 स्टेशन का पीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू शिलान्यास करेंगे अमृत भारत स्टेशन में उनका रिडेवलपमेंट के लिए। साथ के साथ ही लगभग 1500 रेल फ्लाईओवर्स या रेल अंडर ब्रिज का भी लोकार्पण पीएम साहब करेंगे देश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ। मुझे बताते हुए, यहाँ मैं उमरगांव में आया हूँ, बहुत हर्षोल्लास के साथ खुशी हो रही है आपको ये बताते हुए कि उमरगांव स्टेशन भी उस रीडेवलपमेंट में, जो कि बॉम्बे डिवीज़न के अंदर पड़ता है, एक स्टेशन सिलेक्ट हुआ है। टोटल बॉम्बे डिवीज़न से 17 स्टेशन सिलेक्ट हुए हैं, जिसमें से उमरगांव भी एक है। उमरगांव स्टेशन का भी 26 तारीख को रीडेवलपमेंट में पीएम साहब शिलान्यास करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, और लाइव वो प्रोग्राम रहेगा। उमरगांव स्टेशन के यहाँ पे हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, उन सबसे मैं इस चीज़ का अनुरोध करूँगा, आग्रह करूँगा कि इस ऐतिहासिक मोमेंट जो है, जो क्षण है, उसमें आके वो भागीदार बने तथा वो देखें उस टाइम पे कि कैसे शिलान्यास के बाद इस चीज़ों का डेवलपमेंट होना है, और पार्टिसिपेट करें इस प्रोग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर आगे बढ़कर। ये मेरी सबसे एक अनुरोध है। धन्यवाद।